द शील्ड के टॉप फोर बेस्ट मोमेंट्स। 2019 में हुआ था एक मैच द शील्ड वर्सेस ड्रू मैकइंटायर, बॉबी लैशली और किंग कॉर्बिन के बीच में, और इस मैच का नाम दिया गया था द शील्ड फाइनल चैप्टर। बट गाइस, इस मैच पे एक फनी मोमेंट तब आता है जब रोमन रिंग्स डीन एम्ब्रोस को रिंग साइड पर दे देते हैं CPR। और यह पर मैं बताना चाहता हूँ कि CPR एक मेडिकल प्रोसेस है। जब किसी पर्सन का सांस लेने में तकलीफ होता है तब CPR दिया जाता है। बट देयर वॉज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद डीन एम्ब्रोस। रोमन रिंग्स बस यही मजाक के लिए ऐसा किया था। गाइस, 2018 के सुपर शोडाउन में हुआ था एक मैच द शील्ड वर्सेस डॉल्फ ज़िगलर, ड्रू मैकइंटायर और ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच में, जहां पर ये दोनों टीम एक दूसरे को कड़ी टक्कर भी दिया था। बट ये मैच पे एक मोमेंट तब आता है जब ब्रॉन स्ट्रोमन डीन एम्ब्रोस को अटैक करने के लिए जाता है, बट ही वॉज फेल्ड क्योंकि रोमन रिंग्स ब्रॉन स्ट्रोमन को दे देते हैं रनिंग स्पीयर और इसीलिए बैरिकेड भी टूट जाता है। गाइस, 2018 के समर स्लैम पे रोमन रिंग्स ब्रॉक लेसनर को हरा कर बन गए थे यूनिवर्सल चैंपियन। और उसके बाद रॉ के एक एपिसोड पर रोमन को चैलेंज किया फिन बेलर ने। देन ये दोनों के बीच में एक मैच हुआ जिसमें रोमन रिंग्स विनर थे। बट मैच के बाद एंट्री होता है हमारा मनी इन द बैंक ब्रॉन स्ट्रोमैन का। ही वॉन्टेड टू कैश इन हिज मनी इन द बैंक ब्रीफकेस। बट इसी टाइम पर एंट्री होता है डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस का, और तीनों मिलकर ब्रॉन स्ट्रोमैन को अटैक कर दिया था और मिलकर दे दिया था द शील्ड पावर बॉम्ब कमेंट्री टेबल के ऊपर। गाइस, 2014 में द शील्ड और व्हाइट फैमिली के बीच में एक राइवलरी चला था और एज ए रिजल्ट ये दोनों टीम के बीच में एक मैच हुआ था स्मैकडाउन के एक एपिसोड पर। बट गाइस, इस मैच में द शील्ड ऑडियंस के बीच में से एंट्री नहीं किया था, बल्कि द शील्ड ने व्हाइट फैमिली की तरह एंट्री किया था, जहां पर रोमन बने थे व्हाइट, सेथ बने थे हार्पर और डीन बने थे रोवन। और ये इंसिडेंट सभी को बहुत फनी भी लगा था। और गाइस, यही तक था आज का हमारा ये वीडियो। और आप, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि विच इज़ द बेस्ट मोमेंट अकॉर्डिंग टू यू, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।